घर के रोज के काम करके आप भी हो चुके हैं बोर, तो अपनाइए कुछ ऐसे स्पेशल हैक जिन्हें अपनाते ही आपके पैसों की बचत तो होगी, आपकी मेहनत भी आधी हो जाएगी। इस वीडियो को देखने में आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होगा, ये इस वीडियो की सबसे अच्छी बात है। हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक कवर चैनल। आप सब कैसे हो, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज देखिए कुछ स्पेशल हैक जिन्हें अपनाते ही आपके बहुत सारे समय की बचत होने वाली है। पहला यूजफुल टिप मेरा किचन से आता है। किचन में ना हम बहुत ज्यादा काम स्पेशल हम महिलाओं को ये काम करना कभी कभी ना बोरियत भरा हो जाता है, तो चलिए इन्हीं काम को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। गर्मियों का सीजन चल रहा है तो हमारे किचन में बहुत सारे काम हैं जो कंटिन्यू हमें करने होते हैं, जिसमें एक दूध बॉयल करना है, सब्जी बनाना है। गर्मियों के सीजन में ना इसे ढकने का तरीका बदल जाता है। ठंड के सीजन में हम इस तरह की प्लेट से इसे ढक दें, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, हमारा जो खाना है वो गर्म रहता है। पर गर्मियों में ऐसा नहीं है। अगर आप इस तरह की प्लेट का यूज करते हैं गर्मियों के सीजन में, तो इससे हमारे दूध और सब्जी खराब हो जाते हैं, ये एक आम सी बात है। तो कोशिश कीजिएगा इस तरह की प्लेट आपने गर्मियों में यूज नहीं करनी है, जब आपका खाना गर्म है आपने यूज करनी है ये जाली वाली प्लेट। अगर आपको दूध पे अच्छी सी मलाई चाहिए तो हमेशा आप जाली वाली प्लेट का यूज कीजिएगा, और गर्मियों के सीजन में दाल बनाई है, सब्जी बनाई है, तब भी आप जाली वाली प्लेट का यूज कीजिएगा। इससे जो स्टीम निकलती है, भाप बनती है, और जो पानी के रूप में सब्जियों के ऊपर आ जाती है, इससे जो हमारी सब्जियां है 4 से 5 घंटे बाद ही खराब होने लग जाती है। फ्रिज के बाहर हम इसे नहीं रख सकते, फ्रिज के अंदर ही हम इसे रखना होता है। एक टाइम से दूसरे टाइम तक सब्जियां बिल्कुल नहीं चलती, नहीं दूध चलता है, तो जाली वाली प्लेट का यूज कीजिएगा। अगला इस फुल टेक मेरा बिगनर से जुड़ा हुआ है। अभी आपने गृहस्थी बनाना स्टार्ट किया है, पैसे आपके पास नहीं है कि ज्यादा पैसा हम खर्च करें और जो हमारे काम है वो आसान कर ले, तो लीजिए आप 2 फोक, क्योंकि खाने में हम चम्मचों का यूज करते हैं, ये हमारा बेसिक है। तो हमने यहाँ एक रबड़ लिया है, कुछ इस तरीके से इसे बांध दिया है। अच्छा, इस फोक की मदद से ना आप बहुत सारे काम अपने निपटा सकते हैं। तो जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ इसे आप पहले करके देखिएगा। इससे आप आलू का छिलका आराम से उतार सकते हैं। यहाँ पर मेरे जो फोक है इनका साइज थोड़ा सा अलग है, तो इसमें थोड़ी सी अच्छे से पकड़ नहीं हो पाई थी आलू के ऊपर, तो मैं इसका यूज करके बता रही हूँ आपको चिमटे की तरह रोटी सेकने के लिए। आप बिना चिमटे के भी अच्छे से बढ़िया से रोटी सेक सकते हैं इन चम्मचों की मदद से। तो यहाँ पर रबड़ को हमने बांधा है ताकि ये अच्छे से स्टेबल रहे, भागे नहीं चम्मचे, और इस तरीके से ना आप इमरजेंसी में अपने काम है वो भी कर सकते हैं। और अभी आपकी गृहस्थी में ज्यादा पैसा खर्च आपने नहीं करना है, खाना तो बनाना ही है हमें, तो इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हैं। अगला स्कूल हैक मेरा भी बिगनर के लिए है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास सीजर अवेलेबल नहीं है, या सीजर रख के हम भूल चुके हैं और हमें कोई पैकेट इस तरीके का खोलना है। दिक्कत ये होती है इस प्लास्टिक के पैकेट को खोलने में, ये बहुत बार ना बिखर जाता है, ये जैसे तैसे हम इसे खोलते हैं तो बहुत ज्यादा ना ये फट जाता है। तो देखिए एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ जिससे ये पैकेट बिखरेगा भी नहीं, आराम से खुलेगा, और जितना आप चाहते हैं सिर्फ उतना ही खुलेगा, और बिल्कुल आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 2 कॉइन ले लीजिए, कोई सा भी कॉइन चलेगा, जिसे मैं आपको दिखा रही हूँ, जस्ट अपोजिट साइड में इसे लगाना है, और जैसे हम वेफर को फाड़ते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने फाड़ना है। यहाँ पे ऊपर की तरफ से ये नहीं हो रहा था, शायद यहाँ पे डबल बार सील किया होता है इसलिए शायद इस तरफ से नहीं हो रहा था, तो मैंने दूसरी तरफ से इसको इस तरीके से फाड़ने की कोशिश की, और एक बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में ये आराम से फट गया। सीजर के लिए हर बार सीजर किचन में अवेलेबल हो जरूरी नहीं है, बहुत बार हमें टाइम पे मिलता नहीं है, पैर पैकेट तो हमें खोलना ही होता है, तो दांतों का गलती से मत यूज कीजिएगा, इस तरीके से आप कॉइन का यूज कीजिए और आराम से इसे खोल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वाला यूजफुल ट्रिक आपको पसंद आया होगा, क्योंकि किचन में अक्सर हमारे कॉइन्स रहते हैं। ये शायद इसलिए नहीं खोल पाया था क्योंकि यहाँ से ना अच्छे से बढ़िया से सील पैक किया हुआ था, शायद इसलिए यहाँ से नहीं खुल पाया, पर अगर आप कोशिश करेंगे तो यहाँ से भी बढ़िया आराम से खुल जाता है। मुझे आपको दिखाना था तो मैंने वीडियो को कट नहीं किया है और कॉइन की मदद से आपको इसे खोल के दिखाया है। ये ट्रिक भी आपको पसंद आया होगा। अगला यूजफुल है गर्मियों से ही जुड़ा हुआ है। बहुत बार हमारे किचन में ना 1-2 रोटी बच जाती है, ज्यादातर हम रोटी थोड़ी ज्यादा ही बनाते हैं ताकि खाने में आ जाए, फिर भी अगर 1-2 रोटी बच जाए तो इसे आप कैसे रखते हो? नॉर्मल हर घर में इसे कैसरोल में इस तरीके से रख दिया जाता है, अच्छे से पैक कर दिया जाता है। एक तो गर्मियों के सीजन में ना ये तरीका उल्टा काम करता है, ठंड के सीजन में हमारी रोटियां इसमें सॉफ्ट रहती है, पर गर्मियों के सीजन में उल्टा हो जाता है, ये रोटियां खराब हो जाती है। तो आपने क्या ऐसा करें कि कैसरोल में रोटी भी रहे और हमारी रोटी खराब ना हो, तो आप ले लीजिए चम्मच, हर किचन बहुत आसानी से मिल जाती है। अपने चम्मचे रखनी है कैसरोल में, इसके अंदर हवा पास होनी चाहिए। अगर आप पूरी तरीके से इसे बंद कर देंगे
ठंड में रोटियां सॉफ्ट रहती हैं और लॉन्ग टाइम तक चलती है, पर गर्मियों में रोटियां खराब हो जाती है, तो चम्मच का यूज जरूर करें। अगले यूजफुल हैक में मैं चाय पत्ती के बारे में आपको एक कमाल का हैक बताने वाली हूँ। तो ये जो चाय पत्ती है ना, मेरे पास एक्स्ट्रा रखी हुई थी, थोड़ा सा इसमें कलर ज्यादा एड है, इसलिए मैंने इस चाय पत्ती को पीने के लिए कभी यूज नहीं किया। मैं इसका यूज करती हूँ क्लीनिंग करने के लिए। मार्केट में आपको लो क्वालिटी में काफी सस्ते में चाय पत्ती मिल जाएगी, लगभग 250 से 300 ग्राम। अपने किचन में जरूर रखें, ये क्लीनिंग में बहुत ज्यादा काम आती है। यहाँ पर लेना है हमने टूथपेस्ट। अच्छा, टूथपेस्ट व्हाइट है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मेरे पास रेड वाला है तो मैं इसी का यूज करके दिखा रही हूँ। जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बस टूथपेस्ट होना चाहिए, ठीक है। इसको भी हमने चाय पत्ती में इस तरीके से ऐड कर लेना है। थोड़ा सा पानी हमने मिलाना है और इसका ना एक बॉइल लेकर आना है। हमें यहाँ पर चाय को उबालना है और उसका कैफीन की हमें जरूरत है, ठीक है। चाय पत्ती की हमें जरूरत नहीं है। जब पानी में अच्छे से कैफीन घुल जाएगा और जो पेस्ट हमने ऐड किया है वो भी अच्छे से घुल जाना चाहिए। कुछ ही सेकंड्स में आप देखेंगे अच्छे से बॉयल आ जाएगा, दोनों चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। इसे हमने रूम टेम्परेचर पर ला के अच्छे से ठंडा कर लेना है। इसके बाद में चाहें तो आप यहाँ पे बर्तन लिक्विड इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे अच्छे से बढ़िया झाग आता है। वैसे कोलगेट से भी अच्छा झाग होता है, पर थोड़ा सा विम लिक्विड या डिजिटल आप ऐड कर लेंगे तो ये और इफेक्टिव तरीके से काम करेगा। इसका यूज करेंगे हमारे किचन काउंटर पे। खाना बन जाने के बाद अक्सर हमारे किचन काउंटर की बहुत बुरी हालत होती है, तो हम ना इसे क्लीन करते ही हैं। तो इस बार आप इस चाय पत्ती वाले ट्रिक को यूज कीजिएगा। यहाँ पर हमने टूथपेस्ट ऐड किया है तो जितने भी बैक्टीरिया है उनको मारने के लिए तो काम करता ही है। कैफीन जो इस चाय पत्ती में है वो सरफेस पे जितने दाग धब्बे हैं उन्हें अच्छे से क्लीन करता है। अच्छा, इस सॉल्यूशन का यूज सिर्फ आप स्टील के ऊपर ही नहीं, टाइल्स के ऊपर भी कर सकते हैं। कांच के लिए सबसे बेस्ट है। अगर किचन की जितनी भी क्रॉकरी है उसे क्लीन करने के लिए ये सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है। आप ना इस तरीके से अच्छे से बढ़िया से क्लीनिंग कर सकते हैं। मुझे इसका 100% रिजल्ट मिलता है। उम्मीद करती हूँ आपको भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप बर्नर अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, इसके छेद में जितना भी फूड पार्टिकल है वो अच्छे से निकल जाता है। तो एक बार बताए हुए इस तरीके को यूज करके देखिएगा, किचन के हर तरह के बैक्टीरिया रिमूव हो जाते हैं। किचन काउंटर को स्पेशल आप इससे क्लीन कीजिए, कम से कम हफ्ते में 2 बार इस ट्रिक को यूज कीजिएगा। आपका किचन काउंटर हमेशा क्लीन रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, किसी तरह का कोई बैक्टीरिया इसके ऊपर नहीं रहेगा। तो अभी फिलहाल में मैंने गैस स्टोव की अच्छे से क्लीनिंग करी है। इसके बाद में गैस स्टैंड पे जो टाइल्स वगैरह होती है इसकी भी आप अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। मुझे तो ये तरीका बहुत आसान सा लगा है, आप भी इस बार जरूर करके देखिएगा। आप इस ट्रिक का वॉश बेसिन के लिए भी यूज कर सकते हैं, वहां पे भी काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं तो अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रीन स्क्रब का ही यूज किया है, स्टील स्क्रब का यूज तक नहीं किया है और जितने दाग धब्बे हैं अच्छे बढ़िया से क्लीन हो गए हैं। इसके बाद में सॉफ्ट सा कोई कपड़ा ले लीजिए और बस आपने वाइप करना है। चाहे तो आप एक दो पानी में डिप करके अच्छे से इसे क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने बस नॉर्मल एक कपड़ा ही इस पे वाइप किया और देख सकते हैं जितने दाग धब्बे हैं वो भी अच्छे से क्लीन हो गए हैं। जबकि नॉर्मल जब हम किचन को क्लीन करने जाते हैं ना तो एक बार में इस तरीके से क्लीनिंग बिल्कुल नहीं होती है। ये देखिए आपके सामने ही मैंने किया है, कहीं वीडियो को कट नहीं किया है और एक ही बार में देखिए पूरा जो टाइल्स है जितना भी सरफेस है बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ देर पहले ये काफी ज्यादा गंदा था। तो मुझे ये ट्रिक सबसे आसान लगा है और उसकी जो चमक है वो देखते ही आप बता सकते हो कि हाँ ये स्पेशल क्लीनिंग है। तो उम्मीद करती हूँ उस हैक को भी आप यूज करेंगे। दूध से अच्छी मलाई लाने के लिए अक्सर हम दूध को फ्रिज में रखते हैं और इसे मलाई भी ना बहुत अच्छे से बढ़िया आती है। दिक्कत तब हो जाती है जब इस मलाई को हमें निकालना होता है। मलाई ना चम्मच वगैरह से अच्छे से निकलती नहीं है, साइड कॉर्नर्स में काफी ज्यादा चिपकी हुई रहती है। फिर हमें ये बर्तन में धोने में डालनी होती है जिसका कभी यूज आता ही नहीं है और बर्तन धोने का जो लिक्विड है साबुन है वो भी बहुत ज्यादा लगता है। तो कोशिश कीजिएगा नाइफ आप लीजिए और इसके साइड कॉर्नर में बस आप घुमाइए, आप देखेंगे जितनी भी मलाई है ना वो सारी की सारी बहुत आसानी से छूट जाएगी। आपने चम्मचों का भी यूज करके देखा होगा पर इतनी आसानी से ना मलाई निकल के आती नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिपचिपी होती है और कॉर्नर में अच्छे से चिपक जाती है। तो जब भी आप मलाई निकालते हैं इस चाकू वाले ट्रिक को यूज कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा इस चाकू से आपने सब्जियां फ्रूट नहीं काटनी है क्योंकि हम इसे दूध में डीप करते हैं। तो अलग से इस चाकू को रखिए, जब भी आपको मलाई निकालना है इस चाकू का आप यूज कीजिएगा। बहुत मोटी परत मलाई की निकल के बाहर आती है, जरा सी भी मलाई आपकी वेस्ट में बिल्कुल नहीं जाएगी।
मौसम कोई सा भी हो, सर्दी हो, बारिश हो या गर्मी हो, रोटी हमारे घर में जरूर बनती है। अच्छा, इस रोटी को बनाने के लिए गर्मी में एक ट्रिक है जो कि स्पेशल है। इसे आप अपनाते हैं तो आपका आटा तो सॉफ्ट होता ही है। अगर आप इसे आधे घंटे किचन काउंटर पर छोड़ भी देंगे ना तो आपका आटा खराब नहीं होगा। स्पेशल गर्मी की ट्रिक है तो जरूर देखिएगा। हमें लेनी है आइस ट्रे। तो लगभग आधे घंटे पहले मैंने इस आइस ट्रे के अंदर बर्फ जमाया था। अभी पूरी तरीके से जमा नहीं है, पर हाँ ये इतना ठंडा हो चुका है जितना कि मुझे चाहिए था। तो हमें एकदम चिल्ड वाटर चाहिए जो कि आप फ्रीजर में से निकाले या फिर इस तरीके से बर्फ की ट्रे में से बर्फ का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्यूब बन चुके थे और निकालते निकालते ये मेल्ट होने लग गए थे। तो हमें एकदम ठंडा सा चिल्ड वाटर चाहिए, इससे हम आटा लगाएंगे। इससे जो आपका आटा है वो बहुत आसानी से तो लगता ही है। ठंडा ठंडा पानी हमने इसमें यूज किया है। तो देखिये, हर अनाज की ना अपनी एक गर्माहट होती है, पर ये जो गेहूं का आटा होता है ना इसमें तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। गर्मियों के सीजन में अगर इसे हम लगाकर किचन काउंटर पे आधे घंटे के लिए भी छोड़ दें तो आधे घंटे के बाद में ही ये फर्मेंट होने का काम करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि आपका आटा खराब होने लग जाता है। तो कोशिश कीजिएगा गर्मियों के सीजन में आप ठंडे पानी से आटा लगाएं। अगर आधे घंटे तक भी किचन काउंटर पे आटा आपने छोड़ दिया ना तो आपका आटा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो जब भी आप आटा लगाएं गर्मियों के सीजन में, इस ट्रिक को यूज करें कि आप बिल्कुल ही चिल्ड वाटर या बर्फ वाले पानी का यूज करें आटा लगाने के लिए। ये गर्मियों का स्पेशल हैक है, जरूर यूज करके देखिएगा। गर्मी आते ही ये जो चावल होता है ना इसमें भी बहुत जल्दी से घुन और जाले पड़ने लग जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, हर अनाज की अपनी एक गर्माहट होती है और गर्मियों के सीजन में स्पेशल ये प्रॉब्लम होती है कि इसमें कीड़े और घुन लग जाते हैं, ज्यादातर जालियां पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो आप ले लीजिए लौंग। मैं यहाँ चावल पे यूज करके दिखा रही हूँ, आप इसे दाल के लिए भी यूज कर सकते हैं, गेहूं रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप मार्केट से लेकर आ रहे हैं, चावल है, गेहूं है, आटा है या किसी भी तरह का कोई अनाज है, आपने लौंग की पोटली बनाना है। ये चावल है, इसमें अलग से दिख जाएगा, तो मैं पूरी तरीके से इसी तरीके से लौंग डाल रही हूँ। कोशिश कीजिएगा आप अगर किसी और चीज में इसे डाल रहे हैं तो छोटी सी कॉटन एक पोटली बना लीजिए, उसके बाद में आप लौंग रखिएगा। इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल किसी भी कीड़े को बिल्कुल ज्यादा पसंद नहीं आती है, जाले वगैरह बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। आप मसालेदाने में भी लौंग रख सकते हैं क्योंकि मसालों में भी अक्सर जाले हो जाते हैं। तो स्पेशल हैक है, जरूर यूज करके देखिएगा। अगला यूजफुल हैक भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जैसे कि ठंड ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, हमारे घर में ना बहुत सारे जुराब निकले होंगे। ठंड के सीजन में अक्सर हम 24 घंटे जुराब पहन के रखते हैं, तो काफी सारे जुराब मेरे पास भी रखे हुए हैं। तो इसमें से एक जुराब का यूज करके मैं बता रही हूँ क्योंकि मिसिंग पेयर है, ऊपर से ये फट भी चुका है। तो यहाँ पर ना मैं इस तरीके से इसको कट कर रही हूँ। आपने पूरे जुराब को इस तरीके से कट कर लेना है, पतली पतली सी स्ट्रिप आपने निकाल के रेडी कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज है, किस तरीके से ये हमारे काम आएगी, तो वीडियो को देखते रहेगा। यहाँ करीबन 7 से 8 मैंने इस छोटी छोटी स्ट्रिप्स निकाली है और ये हमारे काम आएगी, हमारे जो चार्जर वगैरह होते हैं ना इसको अरेंज करने के लिए। अच्छा, जितना भी हम कोशिश कर ले, ये चार्जर वगैरह जो होते हैं ना ये आपस में उलझ जाते हैं, या कोई सा भी वायर जो भी हमारे घर में है, प्रेस का हो सकता है, वॉशिंग मशीन का हो सकता है या किसी भी चीज का वायर, ठीक है, उसको अरेंज करने के लिए आप इस रबड़ का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी फिलहाल में कोई रबड़ नहीं है तो पुराना जुराब जरूर घर में होगा, ये मिसिंग जुराब तो जरूरी होगा, उसको आप कट कर लीजिए और इस तरीके से जितने भी वायर से इनको अच्छे से आप इकट्ठा करके रख सकते हैं। तो ये आसान सा तरीका है, जरूर यूज करके देखिएगा। जब भी आपको लगे कि चार्जर बहुत ज्यादा मैसी हो चुके हैं तो इस ट्रिक को यूज कीजिएगा। वैसे भी हमारे घर में ना काफी सारे वायर्स होते हैं जिनका हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, या टीवी के आसपास भी आपने देखा होगा काफी सारे वायर्स होते हैं। तो इस तरीके से जो भी वायर्स आपको लगता है कि बिखर रहे हैं या देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, उन सबको फोल्ड करने के लिए आप इस मिसिंग जुराब का यूज कर सकते हैं। आपके सामने ही मैंने यहाँ 3 चार्जर को इस तरीके से रबड़ या ये जो बोल सकते हैं जो हमने काम चलाओ रबड़ बनाया है जुराब से, इसको मैंने अच्छे से लगा के आपको दिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ इस हैक को आप पसंद करेंगे और अच्छे से आपके जो चार्जर है ना ये अरेंज होके रह जाएंगे। कोशिश कीजिएगा जब भी आप चार्जर को काम ले लें उसके बाद में इसके एडेप्टर को ना अलग करके रखें, हमेशा इसके साथ रख के ना रखें। इससे क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा मुड़ता है और जल्दी से खराब हो जाता है। तो हमेशा इस एडेप्टर को अलग निकालें और चार्जर को अलग अच्छे से अरेंज करके रखें। तो ये वाला ट्रिक भी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। गर्मियों का सीजन चल रहा है, जैसे ही आप आटा लगा लेते हैं उसके बाद मेरा थोड़ा सा पानी इसके ऊपर छिटक दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच, छोटा चम्मच जो होता है ना उतना ही पानी हमने लेना है। अच्छे से इसके ऊपर डाल दीजिए और उंगलियों से इस तरीके से निशान बना दीजिए, क्योंकि आटा लगाने के बाद लगभग 10 मिनट का टाइम हम जरूर देते हैं कि आटा रेस्ट करे, तो उस टाइम ना आपने पानी जरूर डालना है।
चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।